दोस्तों आज की वीडियो में आपको फिटिंग पैंट कटिंग करना बताऊंगा, जिसकी लंबाई 33 इंची है, कमर 32 इंची है और 37 इंची हिप है और 24 इंची जांग है और 13 इंची मोरी है। इस नाप से आपको मैं फिटिंग पैंट कटिंग करना बताऊंगा। तो दोस्तों कपड़े को उल्टा बिछा लेना है और हमेशा उल्टे पर मार्किंग होती है और एल स्केल से इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और मार्किंग करने के बाद में दोस्तों इसकी लंबाई रखेंगे। तो हमें इंची टेप को एक इंची ऊपर निकाल के और इस तरीके से 33 इंची और 2.5 इंची एक्स्ट्रा लगा लेना है, क्योंकि दोस्तों हम इसमें 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे, इसलिए हमें एक इंची ऊपर इंची टेप को निकाल के और इस तरीके से मार्क लगा लेना है। और उसके बाद में दोस्तों इसकी लटक रखेंगे, तो लटक हिप के अनुसार रखेंगे। तो दोस्तों इसकी हिप 37 इंची है, तो 37 का हम 1/4 करेंगे तो 9.25 इंची आएगा, लेकिन दोस्तों हमें 1/2 इंची कम कर लेना है इस तरीके से। और इन मार्कों को दोस्तों सीधा कर लेना है इस तरीके से। और सीधा करने के बाद में दोस्तों इसकी जांग 24 इंची है, तो 24 का आधा करेंगे इस तरीके से, 12 इंची पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंची पीछे इस तरीके से लगाएंगे और इंची टेप को आधा करके इस तरीके से 6 इंची आता है, तो 6 इंची हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 20 सेंटर का। और दोस्तों इसकी मोरी 13 इंची है, तो 3.25 इंची यहाँ लगा लेना है और 3.25 इंची यहाँ लगा लेना है इस तरीके से। और दोस्तों इन मार्कों को हमें सेफ फ्रंट की सहायता से इस तरीके से मिला लेना है। और दोस्तों दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से रख के और यहाँ पर सेफ फ्रंट की सहायता से हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। और दोस्तों यहाँ पर हमें हल्का सा क्रॉस कर देना है दोनों साइडों में, ताकि तुरपाई करने में असुविधा न हो। और दोस्तों ऊपर की साइड में एल स्केल से इस तरीके से निशान लगा लेंगे। दोस्तों इसकी कमर 32 है, तो 1/4 करके 8 इंची और 1 इंची सिलाई मार्जिन रख लेना है इस तरीके से, और इसको सीधा कर देना है इस तरीके से। और सीधा करने के बाद में इस तरीके से गोलाई लगा देनी है। और दोस्तों ऊपर से हमें लगभग 6 सूट डाउन करना है इस तरीके से, और इसको सीधा कर देना है इस तरीके से। और सीधा करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर 2.5 इंची का निशान लगाएंगे जेब के लिए और 7 इंची लंबाई इस तरीके से क्रॉस जेब लगाएंगे और इस तरीके से सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद में इसकी कमर लिख देते हैं 32 और इसकी हिप है वो 37 इंची इस तरीके से हम लिख देते हैं। और दोस्तों इसकी कर लेते हैं कटिंग। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। दोस्तों इस चैनल पर मैं सिलाई संबंधी जानकारी देता रहता हूं। और दोस्तों हमें जो निशान लगाए हैं वहां पर इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको बैक पार्ट काटना बताऊँगा कि बैक पार्ट किस प्रकार से काटते हैं। और दोस्तों हमें इस तरीके से यहाँ पर नोच लगा लेनी है। और दोस्तों हमारी 2 इंची का यहाँ पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। यहाँ पर हमारी फ्लाई लगेगी दोस्तों, और यहाँ से हल्का सा कट कर लेना है। और दोस्तों अब मैं आपको बैक पार्ट काटना बताऊँगा कि बैक पार्ट किस प्रकार से काटते हैं। तो दोस्तों पैंट का बैक पार्ट काटने के लिए हमें कपड़े को इस तरीके से पलट लेना है, और पलटने के बाद में अच्छे से इस तरीके से हमें बिछा लेना है। और बिछाने के बाद में दोस्तों जो हमने फ्रंट पार्ट काटा था वो इसके ऊपर इस तरीके से बिछा देना है, इस तरीके से बिछा देना है। और बिछाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें 1 इंची का निशान लगा लेना है इस तरीके से, और हमें यहाँ पर इस तरीके से सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों इसकी बेक उठाएंगे, तो बेक यहाँ पर लगभग 1.5 इंची का निशान लगाएंगे और इस तरीके से सीधा कर देंगे।
और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें इन मार्कों को भी इस तरीके से उठा लेना है। और दोस्तों इसकी कमर है वो 32 इंची है, तो यहाँ पर 32 का 1/4 करेंगे तो 8 इंची, 1.5 इंची एक्स्ट्रा करेंगे, 1 इंची इस तरह डार्ट के लिए। और दोस्तों हमें 2 इंची एक्स्ट्रा कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर 2.5 इंची का निशान लगाएंगे। और दोस्तों इसकी हिपो 37 इंची है तो 1/4 करेंगे तो 1.25, और 1 इंची हमें सिलाई मार्जिन 1.25 इस तरीके से, और इन मार्कों को हमें सीधा कर देना है इस तरीके से। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर 1.25 इंची का निशान लगा लेना है इस तरीके से, और निशान यहाँ पर लगाएंगे हम 2.5 इंची का इस तरीके से, और सेफ अंटी की सहायता से हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला लेना है, और यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। और इसकी अब लगाएंगे गोलाई, तो दोस्तों हमें फ्रेंच कमर से इस तरीके से हमें गोलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और दोस्तों इस तरीके से हमारी ये कटिंग है, कर लेनी है दोस्तों इस तरीके से। दोस्तों कमेंट करना ये हमारी छोटी सी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, थैंक यू।